शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आए, आए हमारे पैर, अयो। हे राम जी, ओ मैडम जी, घूरती रहोगी या मदद भी करोगी? आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है, मदद नहीं कर रही हमारी। इधर, यहाँ से, चल हाथ दे हमें। आप ये केरोसिन में कैसे? वो क्या है ना, जिंदगी से मन उभर गया था, सोचा आत्महत्या कर ले। यहाँ बुड़बक लड़की है, अरे फिसल के गिर गए, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? नहीं, आँखें हैं या बटाटे? अब यहाँ वकालत करने आई हो या मदद भी करोगी हमारी? चलो उठाओ उठाओ। ओए भगवान, पैर हमारा। मॉम चले, हम देख नहीं रही है क्या हाल है हमारा? चल मदद कर। कैसे हंसी आ रही है? बहुत नहीं। हाँ दीदी, ये क्या तरीका है? चल हमारी हेल्प करा। इधर इधर पीछे। साड़ी से को हमारी नई साड़ी पहनी थी हमने। तू काकी माँ का ध्यान रख, हम जरा ये फ्लोर है चप्पल साफ। अरे बस इसी की कमी थी, पहले हम गिरे अब माचिस गिरी। नहीं बेटा, जला के गिराती ना, एक ही बार में काम तमाम कर देती हमारा। अमृता का स्वाहा। काकी ना, वो गलती से। हाँ गलती से, गलतियां तो तुझसे होती रहती है। लेकिन माँ, हम तो मार्केट जाने वाले थे ना, तो ये सब। अरे दिमाग खराब हो गया था हमारा, हम किचन में आए पानी पीने के लिए, पानी तो रखा नहीं था इसलिए हमारे कमरे में। आके देखते क्या है, ये जमीन पर केरोसिन का पूरा डब्बा गिरा हुआ है, वो भी ढक्कन नहीं है। तो ढक्कन लगाने गए, केरोसिन का डब्बा उठाने गए हम। किस नाश बीटे ने यहाँ केरोसिन गिरा दिया? अरे अक्कल है कि नहीं तुम लोगों को? अरे कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ से, हमारी पूरी साड़ी भी खराब कर दी, नई साड़ी पहनी थी हमने। फिर क्या था, हम फिसल गए, बेड़ा गर्क हो गया हमारा, इतना दर्द हो रहा है। देखो किसी को परवाह ही नहीं है हमारी इस घर में। ओह, मतलब काकी के आने से पहले कोई और यहाँ आया था, वो केरोसिन से अपने हाथ साफ कर रहा था, लेकिन वो कौन था? पिद्दी, हम ना माँ को कमरे में छोड़ कर आते हैं। ले चल, ले चल हमें कमरे में। इस साइड से। लगता है कोई आ रहा है। आशी, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम कभी जान नहीं पाओगी कि वो लेटर्स किसने बदले। और मैंने मैंने अपने हाथों से वो केमिकल भी हटा लिया। एंड थैंक्स टू अ ग्रेट काकी, पूरे घर में केरोसिन महक रहा है। अब तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, केरोसिन के बदबू वाले असली गुनेगार तक तुम कभी नहीं पहुंच पाओगी। पिद्दी, पता है ये माँ भी ना इतने ड्रामे करती है ना, उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए। ओ हेलो आशी, माँ की बातों को ना इतने सीरियसली मत ले, वो ऐसी ही, बस तुझे तो पता है ना। नीति, हम कुछ और सोच रहे थे, हमने ना वहाँ पे जो भी बोला था वो सब कुछ झूठ था, वो एनवेलप्स पे हमने कोई केमिकल नहीं लगाया था, ऐसा कुछ नहीं है कि केरोसिन से वो छूटेगा। पर हमें गीत के बारे में वीदी ने वॉर्न किया हुआ था कि गीत शायद हम दोनों को अलग करना चाह रही है, हमें और सिद्ध को, इसलिए हमने सब कुछ नाटक किया था। पर अब क्या ही बोल रहे हैं? तो मतलब ये सब गीत ने किया है? वैसे भी माँ कह रही थी ना कि जब वो किचन में आई तो केरोसिन का डब्बा खुला पड़ा था, तो गीत ने ही किया होगा। गीत ने नहीं किया निधि, गीत तो पूरे टाइम हॉल में थी, हम उस पे नजर रखे हुए थे, वो किचन में आई भी नहीं है। अच्छा, तो हो सकता है ना कि गीत के साथ इस खेल में कोई और भी हो। हो तो सकते हैं निधि, हमें पता लगाना होगा। सुनना, सिड हमें बता रहा था कि वो 11 के इंसिडेंट के बाद ना उसने घर में, ऑफिस में, गोडाउन में, हर जगह स्पाई कैमरा लगाए हुए हैं। ओ, अगर वो स्पाई कैमरा की फुटेज हमें मिल जाती
पता नहीं सिर मानेगा कि नहीं मानेगा। क्या करे, बिना सबूत के हम गीत का नाम भी नहीं ले सकते। तो तू एक बार सिद्ध भाई से बात तो करके देख, हो सकता है कुछ पता चले। करेंगे, चाहे जो भी हो जाए, अब हम अपने प्यार और अपने रिश्ते पे किसी को वार नहीं करने देंगे। नमस्ते, हमें एडवोकेट राजीव खन्ना ने भेजा है सरप्राइज विजिट पर। हम यहाँ देखने आए कि आशी अपने मैरिज में खुश है या नहीं। हे राम जी, सिर्फ तो आपसे बात तक नहीं कर रहा, हम वकील साहब के सामने क्या कहेंगे? अरे वकील साहब, आप सरप्राइज विजिट में आए हैं? हाँ, अब बैठिए ना, बैठिए बैठिए। अरे आशी बेटा, जा जाकर सिर को बुला ला। अभी आते हैं, कुछ लेंगे आप? जी नहीं। अच्छा, हाँ खन्ना जी, वो आपने कहा था ना कि आप बीच बीच में घर पे चक्कर मारते रहेंगे, वो देखते रहेंगे कि आशी खुश है या नहीं, कहा था ना आपने? शुक्र है हमने दिमाग लगाया और कल रात को ही वकील साहब को फोन लगा दिया। लो आ गए। आप दोनों अपने शादी से खुश हैं या कोई तकलीफ, कोई परेशानी? जी वकील साहब, तकलीफ तो है और परेशानी भी। परेशानी है ना, वो हम दोनों डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि हमें से कौन किससे ज्यादा प्यार करता है। इसका जवाब हम दे सकते हैं, सिर्फ तुमसे ज्यादा प्यार करता है। अब आशी है ही इतनी प्यारी, हर कोई इसके प्यार में पड़ जाता है। सही कह रहे हैं आप, आशी है ही इतनी प्यारी, हर कोई इसके प्यार में पड़ जाता है। चलिए, मुझे तो सब ठीक ही लग रहा है, तो चलते हैं। चेचा जी, नमस्ते। मासिक कला क्रिएशंस के लॉन्च की सारी तैयारी हो गई है और जितनी भी बाकी है वो जल्दी हो जाएगी। लेकिन सिद्ध बेटा, वो आशी से। मासी प्लीज, मुझे अभी सिर्फ और सिर्फ लॉन्चिंग में ध्यान देना है, ये फालतू की बातों का वक्त नहीं है। चले चले। सामने से हटो आशी। हट जाएंगे, हमें तुमसे कुछ काम है, प्लीज एक बार हमारी बात सुन लो। कोई बात नहीं सुननी, चलिए मासी। हाँ आशी, डोंट वरी बेटा, सब ठीक हो जाएगा। क्या राशि, सिद्ध भाई ने तो तेरी बातें नहीं सुनी, अब क्या करेगी? कुछ ना कुछ तो करेंगे, झूठ को चाहे कितना ही छिपा लो, ज्यादा देर नहीं छिप सकता है। कोई ना कोई रास्ता तो होगा जिससे हम सबके सामने गीत का सच ला सके, ये जान पाए कि इस खेल में गीत का साथ कौन दे रहा है। पिद्दी, यू डोंट वरी, निधि इज हियर ना, देन नो टेंशन एंड नो फियर। हमारे पास एक आइडिया है, हम तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं। कैसे? बस देख लीजा, ये देख, ये गीत को पकड़ने में तेरी हेल्प करेगा। जी पांडा, अबे ये सुन, हम जब माँ के साथ मार्केट गए थे ना, तभी हमने चुपके से खरीद लिया और इसकी आंखों में स्पाई कैमरा लगा दिया। 11 वाले केस में जब सिद्ध भाई ने ये यूज किया था ना, तभी हमें आइडिया आ गया था। और पता है, इसके आंखों से जो कैमरा है ना, उसका एक्सेस हमारे मोबाइल फोन में है। तो इन शॉर्ट, पांडा अपने आंखों से जो देखेगा वो हमारे मोबाइल में दिख जाएगा। दिखा दे, जरूर ये देख, ट्राई कर, देख देख, है ना हम स्मार्ट? वेरी गुड। निधि, कितनी बार कहा है तुझसे हमने,
हमें सिद से रिलेटेड किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। हमें ऐसी कोई चीज नहीं चाहिए जो हमें सिद के प्यार की याद दिलाए। जब हम दोनों के बीच में प्यार ही नहीं है तो प्यार की निशानी का क्या करेंगे? लेकिन बिंदी तू ये सिद भाई का प्यार है, उनकी प्यार की निशानी है, उतनी नहीं चाहिए हमें उसका कोई प्यार। पर ऐसे क्यों फेंक दिया? इतनी ज्यादा वकालत मत कर, तुझे जाना है ना उसके पास, तू जा। लेकिन आशी कुछ नहीं चाहिए हमें, पर मुझे तो चाहिए सिद का प्यार। मुंह फुला के क्यों खड़ी अभी? ठीक है मत ले फिर, नहीं लेना है तुझे टेक्स्ट। प्यार से लाया था उन्होंने, अब तुझे दिखाते। गुड जॉब निधि। अच्छा एक काम करना, तू हमारा फोन ले, हमारे फोन में भी ऐप डाल। हम चाहते हैं कि हम गीत की हर हरकत पे नजर रखें। ओके मेरी नजर तो तुम पे रहेगी हर वक्त। कितने प्यार से खरीदा था ना सिद ने तुम्हें, तुम में उसका प्यार बसा है। देखो आज जैसे मैंने सिद के प्यार की निशानी को हासिल कर लिया ना, ऐसे ही एक दिन अपने प्यार को भी हासिल कर लूंगी। आखिर गीत नाम है मेरा। यार विद्दी ये गीत के इरादे कुछ सही नहीं लग रहे हैं, तो प्लीज संभाल के रहना। हम गीत की हर प्लानिंग फील कर देंगे, कुछ भी हो जाए सिक्को से हमसे छीनने नहीं देंगे।